अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो अक्सर आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग चीज़ क्या होती है, इसके क्या फ़ायदा है और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो बहुत लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों को यूज़ कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आगे चल के अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, ये कैसे की जाती है। तो इसके लिए सीधी सी बात यही है कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, केवल मार्केटिंग का एक दूसरा तरीका है। जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे थे वही काम आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, केवल ट्रेडिशनल मीडियम को यूज़ ना करके आप डिजिटल मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं। जब आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी होती थी तब आप न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, आप टीवी एड्स देते थे और आप इस तरह के पैम्पलेट्स बंटवाते थे जहां पर आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सके। उसी जगह पर आप जब डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं तो वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप अभी फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि फेसबुक में आपकी ऑडियंस होती है, आप उसमें कुछ बेच सकते हैं। और अगर आप इस पर बेचना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में डालना शुरू करते हैं और लोग वहां से खरीदना शुरू कर देते हैं तो आपका ये काम डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में डाला है, अपने सर्विसेज के बारे में डाला है, तो आप एक्चुअली एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज़ कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस होता है बेसिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए पहले आपको अच्छी तरह से मार्केटिंग को समझना चाहिए। मार्केटिंग आप करते क्यों हैं और मार्केटिंग क्या कहलाती है। तो मार्केटिंग को डेफिनेशन को ऐसे लिया जा सकता है कि जहां पर आप कस्टमर को अवेयर कराते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इससे ये फायदे होते हैं और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। और यही काम, सेम चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग में भी कर रहे हैं। आप कस्टमर के सामने एक ऐड चलाते हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ करते हुए या फिर गूगल पर सर्चिंग करते हुए उसके सामने आता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और इससे ये फ़ायदे होते हैं। वो उसके बारे में अवेयर होता है, उसके बारे में एजुकेट होता है। और बिजनेस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। जब आदमी आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाता है, आपकी सर्विस से अवेयर हो जाता है, तब वो समझता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। वो आज आपसे परचेज नहीं करेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद शायद अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपसे कुछ परचेज कर ले। तो यही प्रोसेस मार्केटिंग का कहलाता है। जैसे जैसे इंटरनेट का चलन बढ़ा वैसे वैसे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आते गए। लोगों को जानकारी हुई कि गूगल नाम की कोई चीज़ है जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करनी है, हमें कोई वॉशिंग मशीन लेनी है या फिर कोई हमें फ्रिज लेनी है, तो हम जाके गूगल पर सर्च करते हैं कि हमें अच्छी वॉशिंग मशीन चाहिए, इसके बारे में बताइए। हमने वहाँ पर पूछा, उसने हमें आंसर दिए कि ये वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं। जब बहुत सारे लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आने लगे तो यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी का काम आया कि जब लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट वहाँ प्रमोट करें, हम लोगों को प्रोडक्ट वहाँ प्रमोट करें। क्योंकि एक्चुअली जब लोग जानकारी ले रहे होते हैं तो वहाँ पर उनका कुछ ना कुछ बाइंग मोड होता है, वो बाई करना चाहते हैं एक्चुअली। पहले लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, अब उससे लोग परचेजिंग भी करने लगे। लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, उन्होंने उससे परचेज भी कर लिया और यहाँ पर एक सेल्समैन का, एक बिजनेस का प्रॉफिट हो गया और इसी को डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे दिया गया। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने एक रेस्टोरेंट खोलने की सोची कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है। अब आपके पास रेस्टोरेंट खोलने का पैसा है, ठीक ठाक आपने सेटअप कर लिया और एक जगह पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना लिया, अच्छी अच्छी टेबल्स लगा ली, अच्छे मेन्यूज लगा लिए, उसमें स्टाफ भी अरेंज कर लिया। अब बात आती है आप उसे मार्केट कैसे करेंगे, लोगों को कैसे पता चले कि ये रेस्टोरेंट पर्टिकुलर जगह पे खुला हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, हर आदमी को नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर जगह पे रेस्टोरेंट खुला हुआ है। और जब तक माउथ पब्लिसिटी के थ्रू पता चलेगा तब तक शायद बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक आप उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सीन आता है मार्केटिंग का कि आपको मार्केटिंग करनी होगी। उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में गए, आपने न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा ऐड निकाल दिया, इस पर्टिकुलर जगह पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुल रहा है, आपने पूरी क्रिएटिविटी उसमें लगा दी कि इसमें ये खाने को मिलेगा, ये डिस्काउंट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें। या फिर आपने एक बड़ा सा बोर्ड अलग अलग एरियाज में लगा दिया शहर के कि ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट यहाँ खुलने वाला है। लोगों ने देखा, वो आया उस रेस्टोरेंट में, यहाँ से आपकी सेल जनरेट हुई, अच्छी बात है। तो ये हो गई ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जब आप डिजिटली करना चाहते हैं इसे, तो आपने अपने फेसबुक पर एक पेज बना लिया कि ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट खुलने वाला है यहाँ पे, और उसको थोड़े से पैसे लगाकर प्रमोट कर दिया कि ये इन लोगों को दिखाई दे जो अक्सर रेस्टोरेंट में खाने आया करते हैं।
जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच हैं, क्योंकि मोस्टली इसी उम्र के लोग रेस्टोरेंट में आते हैं या फिर कपल्स आते हैं। तो इन लोगों को आपने ऐड दिखाना शुरू कर दिया, उन लोगों ने ऐड देखना शुरू किया, उनके दिमाग में ये आया कि हाँ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इस जगह पर खुल गया है, हमें इस रेस्टोरेंट में भी ट्राई करना चाहिए खाना, कि हम खाना खा सकते हैं इसको जाके। वो लोग भी आपके रेस्टोरेंट में आए। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं या फिर आप डिजिटल मार्केट में जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये दोनों फॉर्म्स मार्केटिंग के ही हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल कुछ हद तक बेनिफिशियल बैठती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे, क्योंकि वो सस्ती होती है, उसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर लोगों को मेरा ऐड दिखाई दे, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको डिजिटल मार्केटिंग मिलते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं मिलते हैं, इसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है, ये एग्जैक्टली आपको शायद समझ में आया हो इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।